Todas leñina. Todas kahan se lenge? Create polygon. पॉलीगॉन प्रिमिटिव्स में ये टॉरस, ठीक है, टॉरस क्रिएट किया अपन ने, यहां पर देख रहे हो तुम इंटरेक्टिव क्रिएशन, ये इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑन रखना है अपन को, है ना, क्रिएट टॉरस फ्रंट साइड, फ्रंट में बनाएंगे अपन, फ्रंट में क्रिएट करेंगे टॉरस, और प्रस्पेक्टिव में इसको रिसाइज करेंगे इस तरीके से, ये बन गया अपना टॉरस। उसके बाद में इसको मूव करके ग्रिड के सेंटर में ले जाएंगे, ठीक है, एक्सप्रेस करके, ना कंट्रोल ए करने से क्या आता है अपने पास में, एट्रीब्यूट्स, ये टॉरस पे क्लिक करेंगे, एट्रीब्यूट्स आ गए यहाँ पे, अपन इनके डिवीजन कम कर देंगे यहाँ पर भी। अब अपन को ये टायर की एक सरफेस तो प्लेन होती है ना, चपटी होती है ना, उसके लिए मैंने ये पोर्शन छोड़ दिया ना, इसको अपन उसके लिए यूज़ कर लेंगे ये, अब ठीक है ना, इसको अपन स्केल करके छोटा कर देंगे तो ये प्लेन हो जाएगा, और इसकी जो है सेक्शन रेडियस, पहले देखना टायर अपन किस चीज़ का बना रहे हैं, कार का बना रहे हैं, साइकिल का बना रहे हैं, बाइक का बना रहे हैं, अपन कार का बना रहे हैं अभी ना, हाँ हो रहा है, तो अपन बना रहे कार का, इतनी थिकनेस होनी चाहिए कार वाले की, है ना, कार के टायर की, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, बीच वाला जो ये एज है लूप को सेलेक्ट करना है और आर से स्केल कर देंगे और प्लेन कर देंगे इसको, है ना, क्लियर। उसके बाद में ये वाले जो फेसेस हैं, ये वाले इनको कर देंगे डिलीट, ये और इनको डिलीट, क्योंकि ये अलॉय व्हील लगता है ना यहाँ पे अलॉय, उसके लिए अपन यहाँ से डिटेलिंग करना स्टार्ट करते हैं इसकी, इसके लूप को अच्छा अपन को वर्क करना है हाफ पे, अपन दोनों तरफ वर्क नहीं करेंगे, एक को डिलीट कर देंगे, एक साइड को डिलीट कर दिया मैंने, एक साइड पर ही वर्क करेंगे और उसको बाद में डुप्लीकेट करके और मर्ज कर देंगे, ये लूप सेलेक्ट किया और एक्सट्रूड किया इसको अंदर की तरफ, फिर जी और आर बाहर की तरफ, फिर जी और डब्ल्यू अंदर की तरफ, है ना। अब अपन इसको थ्री प्रेस करके देखेंगे तो इस तरह का दिख रहा है, मेरे को यहाँ पर भी एंगल चाहिए, यहाँ पर होता है एंगल, ऐसा होगा ना, होता है व्हील के साइड में, बस ये अपना एक तरफ का पूरा बन गया, एक अपन यहाँ पर भी लूप डाल देंगे, इस तरफ बना ले,
बताएंगे। रेडियल टायर की क्या खास बात होती है, प्रॉपर्टी क्या थी रेडियल टायर की? ये नहीं, ये जो पोर्शन होता है ना, ये थोड़ा बारीकी और होता है ना। रेडियल टायर क्या होता है, रेडियल और नॉर्मल टायर में क्या अंतर होता है, पता है? ट्रक्स, अपनी जो ट्रक्स जो होती है ना, ट्रक और बसेस, इनमें रेडियल नहीं होते, कार्स में होते हैं रेडियल। हाँ, वो क्या है कि शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए उन सॉफ्ट होते हैं थोड़े ना, तो उनमें जैसे ही प्रेशर पड़ता है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना उनका, ये सॉफ्ट होता है और यहाँ पर ये बाहर की तरफ आ जाता है। ये एक पोर्शन बन गया अपना कंट्रोल डी करके और आर करके, दूसरा पोर्शन बना लेंगे अपन, है ना, हो गया ये। और दोनों को सेलेक्ट करके कंबाइन, और वर्टेक्सेस को सेलेक्ट करके मर्ज, है ना, हो गया। अब इसके बीच वाली वो बनानी है अपन को, मेटल, मेटल की रिम जो होती है ना वो बनानी है। वो बनाने के लिए अपन यहाँ पर एक बनाएंगे क्या, क्रिएट पॉलीगॉन सिलेंडर, सिलेंडर बना लिया अपन ने, सिलेंडर की थिकनेस इतनी रखेंगे और सिलेंडर की ये कर देते हैं अपन 10, है ना, और इसके इसकी कैप 0 कर दें, सिलेंडर की कैप 0, और इसके चारों तरफ के फेसेस सेलेक्ट कर लेंगे और एक्सट्रूड करेंगे की फेस टुगेदर ऑफ करके, है ना। एक बार किया, फिर जी किया, फिर किया, फिर जी किया, और फिर यहाँ पर मिला दिया, है ना। और थोड़ा सा इनको कर्व देना अपन को, तो कर्व देने के लिए ये वाले जो वर्टेक्सेस के पेयर है ना, ये चार चार, इनको सेलेक्ट कर लेंगे और मूव किस डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में ना, ठीक है। फिर ये वाला पार्ट जो है इसको अपन एक्सट्रूड करके और डिटेलिंग कर देंगे। मूव करके यहां रखते हैं, थोड़ा सा इसको थिकनेस कम कर देंगे इसकी, इतनी ठीक है। एक बार 3 प्रेस करके देखेंगे तो इस तरह का दिख रहा है ये। अपन इसको 1 ही रखेंगे अभी, और यहाँ पर इंसर्ट
लूप डाल देंगे। यहाँ पर भी डाल देंगे। किनारों पर लूप डाल देंगे जिससे क्या है कि इसके किनारे शार्प हो जाएं, बॉर्डर्स शार्प करने के लिए। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर एक अपन इस लूप को सेलेक्ट करके डुप्लीकेट फेस कर लेंगे। क्या किया अपन ने, डुप्लीकेट फेस, ये फेस मिल गया अपन को, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो गया। इसके फेसेस सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर देंगे जिससे कि अपन को इसका बॉर्डर मिल जाएगा। मॉडिफाई सेंटर पाइवेट भी कर देंगे इसको और फिर स्केल इस तरीके से, है ना। यहाँ पर अपन लूप डाल के को शार्प कर देंगे। ये अपना एक बेसिक टायर बन गया। इससे भी ज़्यादा होती है डिटेलिंग, वो अपन सीखेंगे बाद में धीरे धीरे डिटेलिंग करना। ठीक है, अब इसके अपन इसकी ग्रिप बनानी है। ग्रिप कैसे बनाएंगे, टायर की ग्रिप बनानी है। ग्रिप पे जो टेक्सचर नहीं, अपन ग्रिप बनाने के लिए एक नया टूल यूज़ कर रहे हैं अपन अभी यहाँ पे, क्रिएट मेश टूल। एक मिनट, क्रिएट पॉलीगॉन टूल कहाँ पर होगा, मैश टूल में क्रिएट पॉलीगॉन टूल दिख रहा है। इसको लेंगे और एक एक शेप बनाएंगे इसके ग्रिप के लिए। इस तरह की क्लिक करेंगे तो और फिर एंटर कर देंगे तो ये एक पॉलीगॉन बन गया। मॉडिफाई सेंटर पाइवेट, फेसेस सेलेक्ट किए। एक मिनट, यहाँ पर अपन को एक मल्टी कट भी डालना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके फेसेस सेलेक्ट किए
और इसको दे दिया अपन ने थिकनेस, ठीक है। ये एक पार्ट बन गया टेक्सचर के लिए, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूंगा और स्केल कर दूंगा। और स्केल कर दूंगा छोटा, फ्रंट व्यू में से देख रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा दूंगा, उसको यहाँ रख दूंगा, ठीक है। यहाँ रख दूंगा और कंट्रोल डी शिफ्ट डी, इस तरह से मैंने चार बना दिए ये। और फिर ज़्यादा नहीं करना है, हम कम करेंगे, एक कंट्रोल डी शिफ्ट डी, ठीक है। और इन्हीं कोई डुप्लीकेट करके कंट्रोल डी, कंट्रोल डी और शिफ्ट डी, इनको क्या करेंगे कंबाइन, मैश कंबाइन। अब यहाँ पे देखो इसका जो पाइवेट है, पाइवेट मूव करना बताया था मैंने, नहीं बताया था, बताया था पाइवेट मूव करेंगे डी से, और इस पाइवेट को रख देंगे सेंटर में, किसके सेंटर में, इस टायर के सेंटर में, ताकि यहाँ से अपन इसको डुप्लीकेट करते करते रोटेट कर सकें ना। अभी ये पूरा सेंटर में नहीं आया, ये एक मिनट, अपन इसको ग्रिड के सेंटर में लाएंगे इसको वापस से, एक बार एक्सप्रेस करके इसको यहाँ रख देंगे और इसको भी यहाँ रख देंगे, और इसके पाइवेट इसको ग्रिप को यहाँ रख देंगे, यहाँ प्लेस कर दिया, और ग्रिड के पाइवेट को स्नैप कर देंगे ऑन ग्रिड। अब अपन को रोटेट करना है इसको कंट्रोल डी और शिफ्ट डी करते करते, बार बार शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो ये इसकी कॉपीज होती जा रही है, ये कॉपीज बन गई, ठीक है। इस तरह से अपन ग्रिप बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्रिप बन गई अपनी, इस तरह अपन को टायर बनाना है, क्लियर।